हम कहीं लेट हो गए, थोड़ा ही अरसा हुआ था मुझे बाबा जी काम में। लेट लोगों के नज़दीक मैंने बड़ा सोचा है, मुझे वो ये नहीं एग्जैक्ट उसका ये याद नहीं है कि वो मेरा घर था, शायदाबाजी का था, या आदियाबाजी का था, या शुभ मारिया का, मुख्तलिफ घरों में दुआ होती थी, या पता नहीं कौन सी जगह। बाबा जी ने फ़ोन कर दिया हुआ था, काका बाबा मैं आ रहा हूँ, या बेटे बाबा मैं आ रहा हूँ, और जिसको बुलाना है बुला लो। तो वो लोगों को जिस जिसने बुलाना होता था, या दुआ वाले को जानने वाले उन्हें बुला लेते थे, 10, 20, 25, 30 लोग जो भी इकट्ठे हो जाते थे वो सारा। लेकिन अब बाबा जी ने कह देना मैं 6 बजे तक बुला, बाबा जी पहुँच रहे हैं 9 बजे। ज़ाहरी बात है कई बार इंसान अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है, जानने वालों को, ऊपर से बाबा जी के बकौल मॉडर्न क्लास फिरौन क्लास में काम हो रहा था, कोई तो ब्यूरोक्रेट आ रहा है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, जो भी। ज़ाहरी बात है ये लोग कहाँ किसी का इंतज़ार करते हैं, ये तो खुद टाइम देते, लोग इनसे टाइम लेके मिलते हैं। अब इन्हें एक बाबे का इंतज़ार करना होता था, अमूमन जो तो बंदा बीमार होता था, कोई मसला है बच्ची का, रिश्ते का फटा है, कोई ससुराल की लड़ाई है, या जो भी मसाइल होते थे। जैसे कहते हैं मरता क्या ना करता, आए तो होते थे और कलफ भी लगी होती थी कईयों को, या बच्चा बच्ची या बीवी जो है या खामन जो है जो परेशान है वो तो है ही है, लेकिन वो जो अकड़ खां साथ होता था वो मजबूरी में ही होता था। तो कई बार उन्होंने तंग हो जाना या उठ के चले जाना, या उठो जी देर हो गई, हमने तो वहाँ जाना है यहाँ जाना है। मैं भी कई बार, मैंने बताया ना कई बार कहते थे बाबा जी क्या है, और जब मैं बाबा जी के साथ होता था चाहे मेरे घर ही जाना है, मैं बड़े सुकून में होता था, दिल में सोच रहा होता था कि घर वाले सारे फंसे हुए होंगे, बाबा जी ने कहा था बाबा आ रहा है, भाटी से चल पड़ा है। अब भाटी से मॉडल टाउन तक कितना टाइम लगना होता था, लेकिन वो जनाब 6-6 घंटे गुजर जाने, बाबा जी ने एकदम इधर मोड़ो बाइक है तो इधर मोड़ो, गाड़ी है तो उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी करते कराते कौन से 6 कभी 10 कभी 9। जब मैं घर होता था कामियर बाबा जी या किसी फोन आता था तो वो लोग बुला के मैं फंसा होता था, हर बंदा थोड़ी देर बाद पूछना कि कब आएंगे किधर आएंगे, चाय चल रही है लगता चल रहा है लेकिन बाबा जी नहीं आ रहे, बातें शातें करनी लेकिन कितनी, हमने क्या बातें, दुआ तो हमने तो कराई होती थी, लेकिन अब वो जो बाबा जी के लिए का होता था, तो सिलेक्टेड केस होते थे जो हमारी समझ में ना आए या जो हमसे आगे, तो ट्रेनिंग बेसिकली शायद हमारी थी उस वक्त तो समझ नहीं थी। तो वो मैं बाबा के साथ था, वो आर्मी हम एंटर हुए तो वो एक साहब कोई थे, वो बड़े गुस्से में, बाद में पता चला कि वो पीर साहब के बरखुरदार भी थे और ख़ुद वो जो थे यानी पीर साहब भी आए हुए थे, उनकी बेटी को कोई मसला था, उनका मैच कोई बड्डा ही पड़ गया, दूसरी तरफ कोई जनरल साहब का बेटा था, इस तरह का चक्कर था, ससुराल की लड़ाई छुड़ाई कुछ भी जो भी थी, लेकिन वो बरखुरदार जो था उनका अपना वो काफ़ी बड़ी शख्सियत थे, पोस्ट पे भी थे जो भी थे, ऊपर से पीर सैयद भी थे। मुझे कोई मेरा पहला तारुफ था पता ही नहीं था, मैं बाबा के साथ ही था और एंटर हुए तो मुझे याद है कि वो साहब बड़े गुस्से से बोलते हुए निकल रहे हैं, उसने देख लिया कि बाबा जी हम आ रहे हैं, किसी ने कह भी दिया कि वो आ गए बाबा जी या कुछ है। तो वो साहब उतनी ऊंची से कि उठे हमें ही काम खा, ये सब जगह जगह आपको खुद अपने बाप को भी कह रहे कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको इतनी बार बाबा समझाया है, हम खुद हसबी नसबी सैयद हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं देख लूँगा, कोई पता नहीं किसको देख लूँगा क्या। बाबा जी एंटर, अब बाबा जी तो टिपिकल वो बगला बन अरे बगला बन जाओ बाबा जी, छड़ी पकड़ी हुई है बस है वही बिल्कुल खामोश, जैसे सुन ही नहीं रहे, हसी शी जवान पीछे पीछे ठीक है ना, और ऊपर से मतलब हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह की शान में कोई कैसे गुस्ताखी कर सकता है या कुछ अपनी तरफ से बड़े। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पता पता मुझे कुछ नहीं होता था बात का। तो वो कहता है कि बड़े गुस्से से ऐसे घड़ी देख के वो बोल रहा था, पहले वो 3 घंटे हो गए हैं, तो
ये कैसा अल्लाह का बंदा है जो वक्त का ही पाबंद नहीं है, ये फिक्रा एंटर होते सुन लिया था मैंने। अब वो दोबारा दोहरा रहा है, कहता है कि जो खुद पहली चीज नजर आ रही है जो वक्त का ही नहीं पाबंद है, ठीक है, इस तरह करके वो बोला। उस बंदे के पीछे आप इधर आए हुए, इस तरह करके कुछ बोला। उस वक्त उन दोनों को बाबा जी अंदर गुजर गए हैं कमरे में, ये मुझे याद है कि बाबा जी खड़े थे, बैठ रहे थे, मैं दरवाजे में उसके पास वो खड़ा, मैं उससे गुजरा, साथ देखा कि वालिद, मुझे लगा ये इसका वालिद, मुझे पहचान तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह उन्हें डांट रहा था खवातीन को, कह रहा था खवातीन नहीं उठ रही थी, तो मुझे नहीं पता। मैंने उससे नहीं बात की, पीर साहब से मेरी आंखें चार हुई हैं, मुझे नहीं याद मैंने इस तरह फिक्रा बोला एग्जैक्ट, तो मुझे नहीं, जो लफ्ज इस तरह के मैंने बोल दिए जो भी उसके मुंह से मैंने सुने थे, तो मैंने कहा हाँ वो बंदा नहीं हो सकता जो वक्त का पाबंद नहीं। तो पीर साहब ने मुझे ऐसे करके देखा, बुजुर्ग से थे, दाढ़ी टोपी उन्होंने एक टिपिकल सी पहनी हुई थी खास सिलसिले की, मुझे तो उस वक्त पता नहीं चलता ये सिलसिले की टोपियाँ होती, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा ना, उन्होंने बाबा जी की तरफ देखा, बाबा जी अभी बैठे नहीं, छड़ी पकड़े खड़े थे, बाबा जी इधर देख रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, मैं दोबारा मेरी टोन जरा स्टिफ हो गई, उसको नहीं मैं देख पा रहा। मैं दोबारा कह दिया, मैं क्या हाँ फिर वक्त का पाबंद नहीं तो वो बंदा नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहा कि अगर वक्त का पाबंद नहीं तो फिर बंदा नहीं हो सकता, तो बंदा तो नहीं होगा, इस तरह करके उन्हीं को मैंने कहा। अब वो मैंने दोबारा कहा, तो पीर साहब ने जंप किया है एक किस्म का, मुझे नहीं समझ आई हुआ क्या है, बेचारे थोड़े हैवी भी थे, और सीधे बाबा जी के पाँव में, मतलब कोई अजीब ही उन्होंने किया, सजदा भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे जैसे उनके पाँव में गिर रहे हैं एकदम से, वो ऐसे लगा जैसे वैसे गिर गए। अच्छा बाबा जी एकदम ही परे होके साइड पे होके और छड़ी ऐसे उन्हें मार के कहते, और क्या भाई तबाही बोली जा रहा है, अब मुझे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं हुआ क्या। अब वो ना लरज रहे अजीब से, वो जैसे मैं भी परेशान हो गया कि शायद इन्हें कोई एपिलेप्सी हो गई है या पता नहीं क्या हो गया। बाबा जी ने ऐसे छड़ी मार के कहा कि सैयद बादशाह खड़े हो जाओ, तो मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, तुम भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह खैर करेगा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो ऐसे करके ना, तो बेटे की तरफ इशारा करके, तो ऐसे बाबा जी ने हाथ उनके जल्दी से ऐसे फिर कर, क्या करते हो उठो जल्दी उठो, तो वो ऐसे मुझे देख रहे हैं। अब मुझे नहीं आज तक समझ रही, वो अजीब डर रहे थे, मतलब अजीब सी उनकी हालत थी, कभी बाबा जी को देखे उनके पाँव पकड़ने की कोशिश करें पता नहीं क्या कर रहे थे, तो हालांकि वो मुझे नहीं पता था उस वक्त, बाबा ने पहचान लिया, उन्हें पता था वो किसी सिलसिले के बड़े थे। बाबा जी कहते हैं, और उस पागल को तो खुद नहीं पता वो क्या कह रहा है। अच्छा अब मुझे पता चला कि ये कोई, मतलब मेरा डायलॉग जो है हीरो हम है, मुझे नहीं पता उस वक्त, मैं खुद वो, मेरी उस वक्त साथ डॉक्टरी जाग जाती थी ना, मैं फौरन डॉक्टरी डायग्नोज कर रहा कि ये एपिलेप्सी तो नहीं है, इसको बाबा जी ने प्यार शायद करके, और साथ ही पता नहीं उन्होंने कहा कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ना पा सका, देख बाबा जी भी वो ब्यूरोक्रेट साहब को देख रहे, तो ये बड़े नसीब के फैसले, ये बड़े कर्म की बात है, कुछ तरह करके बाबा जी बोले। और वो शाह साहब को कहते हैं कि भाई दादे के बाद पोतरे की ड्यूटी लगती है, ठीक है, ये दरमियान वाली नस्ल फारिग होती है। वो बंदा भी ऐसा बदतमीज था, वो कहते हैं कि नहीं पोतरा माशाल्लाह अमेरिका पढ़ने गया हुआ है। बाबा जी कहते हैं अच्छा चलो देखेंगे। अब वो शाह साहब बार बार बाबा जी के आगे हाथ जोड़े पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो बाबा जी आके कहते हैं कि ठीक है साईं आप लंगर करें, काकी सोनी लंगर लगाओ, जो भी घर वाले थे उन्होंने पता नहीं बेचारों ने चाय बिस्किट थोड़ा सा लिया, मगर आपको इजाजत है आप जाएं। अब मेरा दिल करे कि ये ना आ जाए, मुझे पता था कि इधर ये गए नहीं उधर मेरी शामत आई नहीं
बाबा जी कह रहा काका बाबा तू क्या मुंह में से फाइव निकाल देता, मुझे कोई पता नहीं मैंने क्या। और मैं अब जल्दी जल्दी सोचूं कि मैंने कौन कौन सी बातें की यार अभी थोड़ा सा मैं टेंशन में आ गया कि बाबा जी ने इशारा भी मेरा दिया कि वही तबाही बकता रहता है इसको, कोई उसको तो खुद नहीं पता क्या कह रहा है वो पीर साहब से बाबा जी जान छुड़ा रहे थे। और भी बड़ा करूं यार, मैंने शायद यही कहा कि जो वक्त का पाबंद नहीं बंदा नहीं हो सकता। बाबा जी की तरफ देखूं, बाबा जी नजर ही ना मिलाएं, बाबा जी अब टोटल इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे काम इधर उधर कर रहे हैं। वो पीर साहब थोड़े से सेटल डाउन हुए, उन्होंने पानी शानी पिलाया, बाबा जी ने कहा साईं बाबा जाओ अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने बात करने की कोशिश की उनकी बेगम साहब जो थी, बाबा जी ने कहा मैंने कहा है ना अल्लाह खैर करेगा जाओ, वो खुद ही चल के आएगा। तो बाद में उनकी बेटी गई, जैसे भी बाबा जी ने कहा था, जो भी हुआ अल्लाह जाने, वो एक अलग कहानी है ठीक है। लेकिन दुआ शुरू हो गई वहाँ बाकी लोगों से, बाबा जी तुम मैंने हाँ जी काका बाबा अपना तारुफ कराओ अपना तारुफ कराओ, इस तरह उनका तो ये स्टाइल होता था, कम बोलते थे। मेरे मुझे कुछ नहीं कह रहे अब, हाँ डॉक्टर बाबा वो कुछ गंगा से बीच में डॉक्टर बाबा अपना तारुफ कराओ, जब मैं अपना शुरू हो गया मैं भूल भार गया। मुझे ये याद है कि गाड़ी में जब मैं और कामी होते भाई कह काका बाबा वो जरा फिक्रा दोहराओ क्या कहा ये बाबा जी कि मुझे याद आई स्टाइल ही बाई गई दाढ़ी का सिर या यूं कर काका बाबा जरा वो फिक्रा दोहराओ क्या कहा था। अब मेरे ये सब काके के पसीने छूट रहे ना, मैं पसीने मैं कहा बाबा जी मैं तो कुछ नहीं, और याद जो भी कहा था वो बोलो जरा। मैं कहा बाबा जी वो ये कह रहा था कि ये भी कोई, मैं कहा बाबा जी अजीब बात कर रहा था, ये भी तो बंदा है जो वक्त का पाबंद नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गया, कहते हाँ जनाब जलाल में आ बाबा जी गुब्बारे से वहाँ बड़ी अच्छी निकाल लेते थे। मैंने नहीं नहीं बाबा जी वो नहीं कहा क्या था, तूने बंदा फड़का दिया सालम पीर साहब को। मैं बाबा जी मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, कहते उन्हें क्या हो रहा था, बिल्कुल शुरू के दिन थे महीना दो हुए होंगे। मैं कहा बाबा जी मेरा तो ख्याल है कि एपिलेप्सी ही की। बाबा जी मजे लेते होते थे, अच्छा वो जिसे मिर्गी छिर ही जाते हो। मैंने कहा जी बाबा जी, तो उसमें तो बंदा बेहोश नहीं हो जाता, मैंने सुना है पेशाब शाब निकलता है, जुबान दांतों के नीचे आती है। मैं कहा हाँ बाबा जी इसलिए मैं परेशान हूँ, उसी किस्म है शायद, वैसे वो होश में थे लेकिन बड़ी वो अजीब वो ऐसे थे जैसे करंट लग गया उन्हें। हाँ हाँ फिर तो उस वक्त टेलीफोन में नए नए वाइब्रेटर आया था, मैं आज के क्या, मैं कहा बाबा जी वो वाइब्रेशन अरे हाँ होती तो ये वाइब्रेशन ही है लेकिन ये जब लग जाएगी तो लग पता जाएगा। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा बाबा जी क्या मतलब है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कहा क्या था तुमने। मैं कहा बाबा जी उसने कहा था कि वो बंदा भी कुछ बंदा जो वक्त का पाबंद नहीं। हाँ तो जनाब ने क्या कहा। अब मैं समझ ना आए कि यार मैं दोहराऊंगा सच्ची बात है, मैं दौड़ाऊ मैं क्या, मैं ना वाइब्रेशन पे लग रही हूँ, पता नहीं क्या क्या चक्कर है क्या नहीं है, अब मुझे तो पता नहीं है फिर क्या। मैं ऐसे ही बहरहाल वो मैं पहले मैं कहा बाबा जी मैंने ऐसे कहा था कि हाँ वो बंदा नहीं हो सकता जो वक्त का पाबंद है, वक्त का पाबंद है तो बंदा नहीं हो सकता, अगर वक्त का पाबंद नहीं है। मैं किस तरह करके मैंने कहा था हाँ वो बंदा नहीं हो सकता जो वक्त का पाबंद है। कभी नहीं उस तरह कहो जिस तरह कहा था। मैं कहा बाबा जी तुम मुझे गुस्सा आ गया कहने नहीं मतलब क्या था, तुम कह क्या रहे थे। अब मैं भी सोचूं मुझे समझ आए कि शायद मैंने ग्रामर गलत बोली है, फिक्रा गलत बोला है। मुझे याद है भाटी भाइयों वाला मैदान है बाबा जी का जहाँ आस्ताना था बिस्मिल्ला स्ट्रीट, वहां पहुंच के गाड़ी जहाँ तक जा सकती होती थी कामी पूरा कर्तव्य दिखाता था, आखिर तक गाड़ी ले जाता था। मैं कई बार सोचता हूँ वो सिटी होती थी, पता नहीं कैसे गुजर जाती थी इतनी सी गली में से, तो करोला भी ले जाता ये। तो उतर के तो बाबा जी अब फिर हाँ काका बाबा फिर बोलो मैं बड़ा परेशान मैं फिर उसे करूँ यानी वैसे बोलो जैसे कहा था। फिर वो एक बार शायद मैं फिर अब एक्टिंग करना शुरू हो गया, मुझे याद भी ना आए तरतीब क्या थी फिक्रा क्या था। बहरहाल वो एक बार मैंने कहा बाबा जी कहा करके
झटका सा लगता होता था, थोड़ी देर फिरते रहे, कह रहे तू पागल है, तुझे खुद नहीं पता तू क्या कह रहा होता, खाम खाना फायर निकाला कर। बाबा जी वो मेरा असल में ना वो मुझे बुजुर्ग लगे थे, जो फौरी मेरा इंप्रेशन था ना, मुझे बुजुर्ग लगे थे कि वो रुकना चाह रहे हैं और ये बंदा जो भी बेटा है यंग, ये बदतमीजी कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, अब आ गए हैं हम। तो मैं हंस के बीच में बाबा जी के बीच होता हूँ, मैं कहा बाबा जी तुसी भी दे होना सारे शहर का काम करके, तो पता नहीं 3 घंटे से बैठे हुए थे। तो मैं कहा बाद में वो जब तारुफ शारुफ हुआ था, मैं कहा बाबा जी वो तो आप देखे ना, वो फैक्ट्री लेवल का बंदा और वो खराब, इनका चीफ भी इधर ही फिर रहा होता है। और 2 दिन बाद उस वक़्त होते थे, मुझे नाम याद आ जाएगा, चीफ सेक्रेटरी थे छोटे से कद के, उनके घर मुझे बाबा जी ने भेज दिया, जावेद कुरैशी नाम थे सर। मुझे कहते हैं वो गाड़ी आएगी और उधर जाना है, मैंने कहा जी बाबा मेरे पास बाइक है, कहाँ जाना है, मैं कह जी गाड़ी शाड़ी नहीं जाता। नहीं नहीं आएगी और पूरे प्रोटोकॉल से आएगी, उधर दुआ कराना। मैंने कहा किधर जाना है, कहते हैं बस वो आएगी तो उधर चले जाना, दुआ करा देना, वो सब फंसे हुए हैं। मैं कह अच्छा बाबा जी, पहले कभी उसने कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं कभी कभी कहीं जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी मैं चला जाऊँगा, बस इतने आधे घंटे में आ रही है गाड़ी, उधर जाने। अब मैं आगे से पूछता हूँ बाबा जी करना क्या है, कुछ नहीं दुआ करा देना, हाथ थोड़ा रखी। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कि बाबा जी क्या मतलब दवाई कहानी है सुना, हाँ बस जो दिल में आएगा करा देना। बड़े प्यार से वो लोग मिले मुझे, आज तक नहीं याद, पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं था, बड़े अच्छे, वो छोटी फैमिली थी, छोटे से कद के थे, छोटी तक याद है उनके, वो ड्राइंग रूम में बैठ गया, उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट सी दी कि आपको बाबा जी ने भेजा है। फिर ये अच्छा मैं समझा बाबा जी के चाहने वाले, उन्होंने कहा जी बड़ा हम उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो वैसे तो वो सेक्रेटेरिएट ही हमने सुना है सारा, मैं भी कहूँ सारा दिन तो बाबा जी उधर मुझे लेके फिरते रहते हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा पागल डॉक्टर आएगा। मैं चुप कर रहा, बस बजा उन्होंने कुछ नहीं बताई क्या थे। मैंने दुआ करा दी, दुआ करा के दो तो बेचारे तकल्लुफात में शुरू हो गए कुछ, मैंने मैं कह नहीं जी मैंने जाना है, वो खाना पीना नहीं है, मैंने जाना है ना आ गया। मुझे आज तक वो भी नहीं बात समझ आई, मैं उस वक्त बस जो कहते थे कर देता था, मेरे पास वैसे अजीबोगरीब सवाल आते थे जब अकेले में और बाबा जी होते थे, या आपस में गाड़ी में जब ट्रैवल कर लें, कुछ छेड़खानी वाले, क्योंकि सारी बात है मैं तो उस लाइन का बंदा नहीं, ना रूहानियत का पता, ना किताबें पढ़ी हुई, ना अदब का पता, ना किसी चीज़ का मुझे पता नहीं। मेरे लिए बाबा जी तो कोई आज तक नहीं समझ आई वो क्या रिश्ता था उनका, इतना ज़र्फ था कि वो मेरे जैसे बदतमीज को बर्दाश्त करते थे। कल का बच्चा है 35 साल का और वो 65 साल के 70 साल के, इंतहाई रख रखाओ, इंतहाई नफीस, बल्कि एक और मुझे याद आ गए, वो भी हम बाबा जी मैं और मेरा एक कज़न है नईम और इरफान, ये पुलिस DIG ऑफिसर राम घुसे हुए थे, बाबा जी गए, इरफान तो वहीं जॉब करता था, नईम और वारिस वहाँ आ गए, तो हम सारे वहाँ से निकले, आई थिंक डॉक्टर यूब भी साथ थे, तो साथ ही रेवेन्यू का ऑफिस है वहाँ पे, इधर गाड़ी मोड़े इधर गाड़ी मोड़े, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, अभी इधर मोड़ो, अभी नहीं छुट्टी हुई, सुबह से फिर दादा साहब भूख से बुरा हाल था, गाड़ी मोड़ ली, उधर चले गए तो पता चला जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे वो बाबा जी के दोस्त निकला है सफदर साहब, उनका नाम भी सफदर था, और थे वो शायद सराइकी इलाके के, जो 2004 की बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। खैर वहाँ गए वो बाबा जी के दोस्त निकले, उनका भी हाइट छोटी सी थी, मुझे छोटी हाइट से याद आ गए वो, कि जावेद कुरैशी साहब भी नाम अगर मैं सही ले रहा हूँ तो ऐसे ही था, चीफ सेक्रेटरी थे वो, और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ थे, हाँ जी सीनियर मेंबर कुछ थे, सही नाम ले रहा हूँ सफदर साहब जी, तो पुरानी नारकली वो थाने से ज़रा पहले पुरानी सी बिल्डिंग थी, हमें कोई पता नहीं कि भाई
बहुत बड़ा दफ्तर है कोई, या लोगों के पास जलती है इधर आते हुए या नहीं, हमें कोई पता, हम बाबा जी के साथ गश्त पे निकले हुए हैं। उन्होंने चाय शाय पिलाई बाबा जी की, उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी थी सराय की, बाबा जी भी उस लैंग्वेज बोल रहे, बड़ा मज़ा आ रहा, और कोई पुरानी दोस्ती थी तो हम इंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, बाबा जी कहते हैं अपना तारुफ प्राय बताओ, बताया उन्हें, तो बाबा जी ने बताया ये मेरे दोस्त हैं, बाबा जी मेरे दोस्त हैं, यार हैं, पता नहीं, बेलियाँ सी संगियाँ इस तरह करके, वो भी बड़े खुश। उन्होंने बल्कि कह दिया कि कैसे साथ, बाबा जी के साथ सारे ही हम लड़के लड़के से होते हैं, बच्चे बच्चे, तो कहते कि कैसे इनके साथ, वो बाबा जी को इस तरह कर, बाबा जी कहते बस तुमने हमें छोड़ दिया, अब हमारे ये यार बेली हैं। ठीक है, वो बड़े हंसे, मुझे कहते हैं कि इससे सब कुछ छीन लो। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा अच्छा जी, बाबा जी कहते ना ना काकों को ना खराब कर, और ये नहीं खराब होता, ये पागल है, इससे मुझे कोई पता नहीं चला क्या छीनना क्या नहीं छीनना। 5 बजे तो वो कुछ और वो कहते हैं, पता नहीं यहाँ से मैं मंगवाता हूँ क्या चीज़, कोई पुरानी नारकली का इलाका था कि बैठ जाए साड़ियाँ अंदर था बुरा हाल, बाबा जी सुबह से गश्त करा रहे थे, कोई शायद ना खुद खाते नहीं थे। तो हमने कहा चलो खैर है, बाबा जी के दोस्त हैं, बाबा जी बोले ना 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 अभी हम जो है सलूट मारेंगे आखिरी, हमारा भी दफ्तर बंद होने वाला है, 5 बज गए हैं तो हमारी भी छुट्टी होने वाली है, तुम लोगों की छुट्टी हुई हमारी भी छुट्टी हुई, कोई पता नहीं चलता था क्या ड्यूटी होती थी। उठ जाओ जी उठो चले चले चले, वहाँ से आगे तो साथ ही बाबा मोहितरिया का दरबार है पुरानी रात, वहाँ ले गए, बड़ी ईद आ रही थी, किसी के बकरे थे बड़े खूबसूरत, दो जवान आज तक मुझे याद है जोड़ी थी, पहलवान टाइप दो बंदे बैठे हुए, उनकी टहल सेवा कर रहे बिल्कुल दरबार के दरवाजे के पास, कहते हैं क्या भाव लिए जोड़ी, उसने उस जमाने के हिसाब से शायद का 20,000 की जोड़ी है, बड़े खूबसूरत बकरे अच्छे थे, तो वो पहलवान भी माशाल्लाह दोनों ही पहलवान थे अच्छे थे। बाबा जी कहते हैं हाँ माशाल्लाह तुम्हारे महकमे में तो यही चलेगी, उन दोनों कहते हैं हमारी तरफ देख के कहते हैं हम भी लाए हैं। वारिस मैं नहीं और अयूब, 5 लोग थे हम, उफी इरफान, कहते हैं हम भी 5 लाए हैं लेकिन हमारे महकमे में जब तक दागी ना हो लगता ही नहीं है, हमें कोई समझ नहीं आई, तो जो जितना बड़ा दागी होगा उतनी बड़ी कुर्बानी लगेगी उसकी, हम भी लाए हैं देखते हैं कबूल होती है कि नहीं होती, मैं देखूं इधर उधर के हमारे साथ तो कोई बकरे नहीं है। उन्होंने आगे कर दिया जी जी, अंदर चले गए, अंदर जा कहते हैं करो आंखें बंद और आज पेश हो जाओ, देखते हैं किसकी कुर्बानी लगती है। मैं तो दिल फट अल्लाह ने क्या, मैं कहा मैं को नहीं मैं बाबा जी से बड़ा होशियार हूं, मैं वो भाई है नहीं, मैंने कहा मैं ना कोई आजमाइश ना कुर्बानी, मेरा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, कई कुछ उन्होंने कहना फिर पैसे नहीं आएंगे अगर आजमाइश, देखो तू कहता है आजमाइश नहीं, देखो ना जब पैसे आते हैं फिर आजमाइश आती है, पैसे भी आते हैं नोट वोट फोट पता नहीं क्या आता है खोट वोट साथ आजमाइश भी आ जाती है, तो सारा कुछ मिलता है। मैं कहने बाबा जी आजमाइश के मैं काबिल नहीं, मैं तो पीछे ही। तारिक का फोन आ गया बाबा जी, स्विट्जरलैंड था ये, इसने पता नहीं बाबा जी को फोन किया, बाबा जी क्या कर रहे, ओए आज पूरे खानदान नहीं देनी है तेरे किसका फोन है, साथ ही जोर से छड़ी मारी मेरे पीछे, और फ्राडी है तू आंखें खोल दे, तेरी कहाँ लगनी, छोड़ दे आंखें तू है नहीं, मैं तो फटाफट आंखें खोल दी, शुक्र है मेरी जान छूटी, पता नहीं क्या कुर्बानी है कौन है क्या नहीं है। अरे पागल फोन कर रहा है जर्मनी से दूसरा, तारीख उन दिनों जर्मनी पहुंचा हुआ, फिर पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था, वहाँ मिल गई थी, यही शायद उसने बताने के लिए फोन किया कि बाबा जी मुझे पोस्ट डॉक्टर मिल गई है, पता नहीं क्या हो गया। बाबा ने मुझे फोन पकड़ाया, करा रहे थे उधर जो भी कार्रवाई डाल रहे थे, ऐवे कोई बातें बोली जाए, मैं तारीख से मैं क्या तारीख हेलो क्या रहा करना तो मैं गल कर दा ना बाबा जी फोन दो मेरे काम नहीं आते, मैं बड़े गुस्सा चढ़ गया, मैं बड़ा भाई था बदतमीज आदमी, मैं बाबा जी मैं बाबा जी उसने आपसी बात करनी है, अच्छा कितनों को बचाएगा आज एक की तो लगेगी, तो कहते हैं काका बाबा आराम से बैठ, तेरी जब लगनी होगी लग जाएगी, अभी लगेगी वो
फोन बंद कर दिया, मुझे नहीं पता नहीं मैं कौन सी कुर्बानी। वो अचानक बेचारे बारिश भाई धाड़ करके गिरे, बुरा हाल उनका। मैं जल्दी से पकड़ने लगा कि पता नहीं क्या हो गया। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बस लग गई ठीक है, और बाकी आंखें खोल दो, जिसकी लगनी थी लग गई, अल्लाह ही जाने क्या हो गया। मैं अब ऐसे डॉक्टर सोचूं मैं किसको हार्ट अटैक हुआ है, टीआईए हो गया शायद, अल्लाह रहम करे, पानी भी नहीं देने दे रहे उसको, पता नहीं क्या हुआ बंदे को, इतना जवान आदमी पुलिस ऑफिसर था वो, और आराम से बाहर आई जा रहे हैं, उसको छोड़ दो ऊपर गिरा हुआ वहां पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखूं उनके बच्चे छोटे छोटे, मेरे ताया का दमाद है, मैं कहूँ यार आप ही ने मैनू फड़ लेना है, की चक्कर है। खैर आप ही का भाई भी साथ था, दूसरा जो सगा भाई उनका, नहीं मैं कह नहीं परवाह थे मैं की करा। ये बड़ी देर से कहते थे हमें बाबा जी से मिलवा, उन्होंने इसने उस दिन ये पकड़ लिया पीछे आके ना, मुझे नहीं पता था। बाबा ने एक दो बार ने कहा ठीक है वारिस बाबा जाओ, हो गई हाजिरी, ये पीछे पीछे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे क्या पता था क्या। थोड़ी देर बाद वो चाय वाला आ गया, पानी प्यालों में लेके आया, तो कहते पानी का प्याला लाओ, पानी का प्याला लाया, दरबार पे होते थे उसके, पुराना दरबार जो था अब तो बड़ा खूबसूरत सुना बन गया, मैं भी गया नहीं दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुआ, तो प्याला लेके बाबा जी हमें पहले थोड़ा सा पिया करते, ओए ओए वो बकरे को पिला। फिर देखो अंदर वो बंदा भी डर गया कि बंदरा अंदर बकरा गया है दरबार, और ये छट्टा मार उसके ऊपर उसको ले गया। खैर छट्टा मारा बेचारे थोड़े से होश में है, उसने ले के आओ इसको बाहर। मुझे याद है कि नईम भी मैं भी दोनों हम उनसे जवान थे, हम उन्हें उठाए, उनसे उठे ना जैसे जैसे टांगों में जान ही नहीं, और मुंह से डालें गिरी जाए, मैं डर गया, मैं यार अल्लाह पता नहीं से क्या हुआ। बाहर लेके आ गया, कुछ नहीं हो गया, खैर है लग गई कुर्बानी जिसकी लगनी। मैं तो उसके बाद किसी दरबार पे आंखें भी नहीं बंद की बाबा जी के साथ, मैं इनका कोई पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था।